आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की लगातार मिल रही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बीच कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। और खास बात यह है कि आज जो दो तीन कांडों का उद्भेदन हुआ है और कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, और साथ में इसमें कुछ ऐसे अपराधी हैं जो न सिर्फ किसी अपराध की योजना बना रहे थे बल्कि महत्वपूर्ण एक पंचायत समिति जो बिलाउर का था, दीपक साह उसकी हत्या में शामिल जो उसका मुख्य शूटर था रितेश, वो भी आज गिरफ्तार हुआ है। तो पहले मामले के अंतर्गत बिहिया थाना अंतर्गत डकैती की योजना बना रहे पांच अपराध कर्मी को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये सूचना कल हम लोगों को देर रात में प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने तुरंत ये SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और थानाध्यक्ष बिहिया और DIU की टीम तथा आसपास के थानाध्यक्षों ने तुरंत जो है घेराबंदी की। और NH-84 के पास से वो एक होटल है, वहाँ भी होटल से पूरब दिशा में कुछ अपराध कर्मी इकट्ठा हुए थे, तुरंत उनके सत्यापन के लिए जब ये टीम वहाँ पर घेराबंदी की तो ये लोग भागने लगे और उनके पास से फिर जब गिरफ्तारी की गई, उनकी जब घेर कर उनको पकड़ा गया तो उनके पास से तीन देसी कट्टा टीम के पास से मिला था और आठ जिंदा कारतूस मिला, एक मोटरसाइकिल मिला वहाँ पर और दो मोबाइल बरामद हुआ है। और इन अपराधियों का नाम उज्ज्वल कुमार पहला है, अधिया कराने वाला मुफस्सिल का, दूसरा सुजीत कुमार ये बहरनपुर का रहने वाला है, तीसरा रितेश कुमार और ये रितेश वही है जो कि पंचायत समिति हत्याकांड का मुख्य शूटर रहा है बिलाउर का, और चौथा यशराज है, ये नवादा बिन उदवंत नगर का रहने वाला है, और पांचवा है कन्हैया कुमार, ये गौरा बहरनपुर का रहने वाला है। इस तरीके से इन पाँच अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और ये कई अच्छी सफलता है भोजपुर पुलिस की, क्योंकि ये इसमें जो रितेश है और उज्ज्वल है और अन्य जो अपराध कर्मी हैं ये कहीं कहीं कई अन्य कांडों में वांछित थे, जैसे इसमें रितेश पिता से शेषनाथ राय जो खरौनी कराने वाला है इसके ऊपर जो अभी बिलाउर पंचायत समिति का हत्या किया था इसने, और इसके साथ साथ नवादा में भी जो है आर्म्स एक्ट केस और अन्य कांडों में जो है इसके ये वांछित था, और इसका हम लोग अन्य थानों से भी सत्यापन कर रहे हैं कि कहीं इसकी जो है अन्य संदिग्धता हो तो वहाँ भी इसको जो रिमांड किया जाएगा। इसके साथ जो इसमें यशराज है इसकी भी जो है कई अन्य जगह जो है वांछित पहले से रहा है, नवादा में भी आम शक्ति केस में वांछित रहा है। तो इस तरीके से इस जो ये इनकी गिरफ्तारी हुई है इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भोजपुर पुलिस की है। देखिए बिलाउर पंचायत समिति के जो हत्या किया गया है उसमें उसने आरंभिक में इसने स्वीकार किया है, एक अभियुक्त इसमें और रह गया है ऋषि, उसकी भी गिरफ्तारी भी बाकी है। इसका कहना है उसके माध्यम से एक व्यक्ति का उसने नाम लिया है जो वहाँ पर एक प्रभावशाली व्यक्ति है कि उनके माध्यम से पैसे को तरीके से सुपारी टाइप के उनको दिया गया है। हालांकि हम लोग अभी सभी सारे पहलुओं की जाँच कर रहे हैं, इसने जो कुछ अभी साक्ष्य बताए हैं उसका हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं, और कोरिलेट करने के बाद अनुसंधान में जो भी इसमें मुख्य कॉन्स्पिरेटर है उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ भी विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी इसमें जो है पांच लोगों की गई है, पहले भी इसमें से इस हत्याकांड में दो तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और लेकिन ये जो पाँच अब गिरफ्तार हुए हैं इसमें से दो इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि एक की बाइक यूज हुई है और एक खुद शूटर रहा है, और भी इसमें कई अन्य अपराध कर्मी थे जिसमें से दो गिरफ्तार हैं और एक दो भी बाकी रह गए हैं।